रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना। मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन शहनी कुरैश मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से इफ्तार पार्टी रखते थे। हमारी इफ्तार पार्टी में तमाम मुलाजिमत, तमाम ऑफिसर्स के लोग, तमाम जो है ना हिंदू ऑफिसर्स और टीचर्स, हिंदू टीचर्स, लेडीज़ वगैरह सब लोग हमारे इफ्तार पार्टी में आए थे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ। और इसके साथ ही साथ सियासी लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, उसमें जनाब असगर साहब चुलबुल जीडीए चेयरमैन, इलियास सेठ बागवान केएसआरटीसी चेयरमैन, नासिर हुसैन उस्ताद वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा एक्स मेयर इकबाल अहमद साहब शेरनी फरोश के अलावा भी तमाम हिंदू ऑफिसर भी हमारे पास आए थे, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि इस रमज़ान मुबारक महीने में एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बताने का हमको मौका मिला, तो इस वजह से जो है ना हम हिंदू भाइयों को भी बुलाए थे ताकि हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, हमारा रोज़ा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मालूम होना बोल के हम तमाम लोगों को बुलाए थे। इतना करें कि नमस्कार। सरकारी नौकर मुस्लिम सरकारी नौकर संघ रमजान इफ्तार ओकूटद कार्यक्रम हमको आ कार्यक्रम एला नौकर बांधवर इतर समाज सेवे सल गण्यर राजकीय मुखंड पत्रकर्तर प्रतियोबर बंद भावक्य ऐकते तोरसिकी नावेल जन यार बंद प्रतियोरी नम कड़ा तुम धन्यवाद सल्त रीतल मुंे कूड़ा ना कार्यक्रम नडसकोते एम्प्लॉयज एसोसिएशन 2005 से रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। इसमें तमाम ही लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें खासतौर पर अजीम साहब शिरनी फरोश, अजीम साहब कारीगर, नज़ीरुद्दीन साहब मुद्दली साहब, जनाब जागीरदार साहब, मैं एक फाउंडर के हैसियत से मुश्ताक अहमद साहब, मैं एक फाउंडर के हैसियत से तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यही इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन एक अच्छे माहौल में हमारा अपना मजहब का और रोज़े की अच्छे मैसेज जाने इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खासतौर पे जनाब अजीजुल्ला शर्मा साहब सीनियर सहाफ़ी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेडीज़ शाहिदा नसीर मैडम, और इसके अलावा वाजिद अख्तर सिद्दीकी साहब, मोहिद्दीन साहब, ये तमाम हिदायत सेंटर के तमाम जिम्मेदारों का खासतौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीम कारीगर कर्नाटका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं एज ए ट्रेजरर, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज इस मौके पर इस हमारे इफ्तार के प्रोग्राम में हिंदू मुसलमान भाई लेडीज़ जेंट्स सब पूरे तमाम आ गए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सदर जनाब अब्दुल अजीम साहब शिरनी फरोश जो अपनी हर वो चीज़ को अपने हर वक्त को निकालते हुए, और साथ ही साथ जनाब मैं सबसे ज़्यादा नज़ीर अहमद मुतवली साहब जो हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, हमारे एसोसिएशन के और एक मुश्ताक साहब, ये मुश्ताक साहब एई और अंडर प्रेसिडेंट और अली जनाब, मैं इन दो का खासकर शुक्र अदा करता हूँ। हमारे एसएम जागीरदार साहब जो रिटायर्ड होते हुए भी हमें हर वक्त हर टाइम अपना साथ दिया है। साथ ही साथ हमारे फाउंडर अब्दुल खदीर साहब जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये भी हमें बहुत अच्छा साथ दिए हैं। मैं इन तमाम से लोगों का शुक्र अदा करता हूं, और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से शाहिद नसरीन और उनके हमशीरा और तमाम लेडीज़ का शुक्र अदा करता हूं। जज़ा रमज़ान है अल्लाह की कुर्बत का महीना। अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह बकरा की आयत नंबर 183, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं, इस सब जिस तरह के तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए हैं। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है कि रोज़े हम सब पर फर्ज किए गए हैं, तमाम मुसलमानों पर, उम्मत मुस्लिमों पर, और ये सिर्फ उम्मत पर ही फर्ज नहीं किए गए बल्कि पिछली उम्मतों के, पिछले अंबिया के उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। और इसकी जो वजह अल्लाह ताला ने बताई है, वो कागम करता हूँ, रोज़े फर्ज इसलिए किए गए हैं
से तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा, तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ पैदा, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की इताअत का जज्बा पैदा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाए कि आदि और ला आदि और रसूल, तुम मेरी इताअत करो और मैं रसूल की इताअत करो। जब इताअत की बात आती है तो हमें रोजे और तकवा जो बताया गया है कि रोजे रखने के अंदर तकवा पैदा करते हैं, और तकवा खुदा का खौफ, खुदा का डर और अल्लाह की इताअत का नाम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का नाम तकवा। तो तकवा इख्तियार करें अपनी जिंदगी में। आप चाहते हैं कि एक मुसलमान जब रोजा रहता है तो रोजा एक नेमत है, तो कहने का मतलब यह है कि रमजान फरमाया कि रमजान में क्या साथ में किसी महीने में भी आपको ज़कात देना बहुत जरूरी है। अगर आप ज़कात नहीं निकालते, एक हदीस में आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, जो लोग ज़कात नहीं देते चाहे माल उनके पास हो दुकान का माल और जो कुछ भी माल उनके पास है, अगर लोग ज़कात नहीं देते मुसलमान, तो क़यामत में वो ज़कात चाहे मवेशी की शक्ल का हो, सोना चांदी की शक्ल का हो या पैसे की शक्ल का हो, क़यामत में वो माल तुम्हारा सांप बनकर आएगा। और की निशानी रमजान है, अल्लाह की गुरबत की निशानी। रोजे का सिला देता है खुद खालिक अकबर, साइन के लिए रोजा है जन्नत की निशानी। रमजान है अल्लाह की गुरबत का महीना, रमजान है रमजान 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 है रमजान रमजान रमजान। हो जाता है शै सदा सिर है जुर्मता से ये बराअत की निशानी। एक खास सिला मिलता है हर अच्छे अमल का, एक खास सिला मिलता है हर अच्छे अमल का। रहमत की निशानी रमजान है अल्लाह की गुरबत का महीना, रमजान है रमजान 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 से भी अफजल, यानी है शबे कदर भी अजमा की निशानी। हो जाती है पैदा दिल मुस्लिम में अखुवत, हो जाती है पैदा दिल मुस्लिम में
अल्लाह की कुर्बत का महीना रमजान है, अल्लाह की कुर्बत का महीना जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना रमजान है, अल्लाह की कुर्बत का महीना रमजान की निशानी रमजान है, अल्लाह की कुर्बत की निशानी रोजे का सिला देता है खुद खालिक अकबर साईं के लिए रोजा है जन्नत की निशानी रमजान है, अल्लाह की कुर्बत का महीना रमजान है, रमजान 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 है, रमजान 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 हो जाता है शै शान भी पाबंद सदा सिर है जुर्मता से ये बराअत की निशानी एक खास सिला में।